अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल गाइस आर वेल। आई वेलकम वंस अगेन टू यू टू योर ओन यूट्यूब चैनल जेके स्टूडेंट। सो गाइस, यहाँ पे जेके बोपी ने यहाँ पे आयुष और बीपीटी कोर्सेज के लिए काउंसलिंग के लिए जो रजिस्ट्रेशन यहाँ पे उसके लिए नोटिफिकेशन यहाँ पे आउट कर दी गई है जेके बोपी की तरफ से। आप यहाँ पे 4th ऑफ सेप्टेम्बर से लेकर 7th ऑफ सेप्टेम्बर तक रजिस्टर कर सकते हो ऑनलाइन फॉर काउंसलिंग इन डिफरेंट कोर्सेज लाइक आयुष एंड बी पी टी, इन जिसमें BAMS, BUMS और BPT कोर्सेज आते हैं। जिसने भी नीट दिया है और क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे उसके आए हैं तो यहाँ पे वो एलिजिबल है फॉर काउंसलिंग इन BAMS, BUMS, BPT। इसके लिए आपको सबसे पहले रजिस्टर करना होगा काउंसलिंग के लिए। आपको काउंसलिंग फ़ी कोई नहीं पड़ेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी जो रजिस्ट्रेशन होगी 4th ऑफ सेप्टेम्बर से लेकर जो स्टार्ट होगी ऑनलाइन करनी, और 7th ऑफ सेप्टेम्बर आपको लास्ट डेट रहेगी इसका। इसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट रहेंगे वो यहाँ पे दिए हुए हैं, नीट UG का स्कोर कार्ड, 10+2 का मार्क्स कार्ड, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, और जो से ST कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनको इसके बदले जो है ST कैटेगरी सर्टिफिकेट यहाँ पे जो है अपलोड करनी है। उसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है वो अपलोड करनी है, और TOB सर्टिफिकेट आपको अपलोड करनी है। जो कट ऑफ मार्क्स रहेंगे वो यहाँ पे एज नोटिफाइड बाई NTA अंडर, वो यहाँ पे NTA ने पहले ही बता दिए, हम फिर से यहाँ पे आपके लिए बता देते हैं क्या कट ऑफ रहने वाला है। तो यहाँ पे ओपन मेरिट के लिए जिसमें EWS, JKPM और चाइल्ड ऑफ पैरामिलिट्री फोर्स एंड CDP सपोर्ट्स कैटेगरी भी इसमें आती है, उसमें 137 कट ऑफ रहा है, यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद ओपन मेरिट EWS हैंडीकैप्ड, उसके लिए 121 कट ऑफ रहा है। SC ST RBA ALC IBU SC PSP कैटेगरी के लिए यहाँ पे 107 कट ऑफ रहा है। SC ST RBA ALC IBU SC PSP हैंडीकैप्ड जो है उनके लिए 107 ही कट ऑफ रहा है, और ST फिजिकली हैंडीकैप्ड में 108 यहाँ पे कट ऑफ रहा है। ठीक है, जिनने भी नीट में यहाँ पे अपियर हो, जो भी स्टूडेंट नीट में अपियर हुआ है और इतने मार्क्स आ रहे हैं उनके, तो वो एलिजिबल है यहाँ पे काउंसलिंग के लिए इन कोर्सेज के लिए। और दूसरी बात, जिस स्टूडेंट ने नीट और BDS के लिए ऑलरेडी रजिस्टर कर रखा था उनको दोबारा से रजिस्टर करने की कोई ज़रूरत नहीं, उन्हें एक बार किया वो डायरेक्टली काउंसलिंग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फिर से बता देता हूँ, जिन भी स्टूडेंट्स ने नीट 2023 दिया था और उनके 137 पॉइंट आ रहे हैं ओपन मेरिट, यहाँ कैटेगरी में इतने पॉइंट्स आ रहे हैं ST में 18 और यहाँ पे SC ST RBA में 17 या हैंडीकेपर में 17, तो वो एलिजिबल है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन और काउंसलिंग के लिए, और काउंसलिंग के लिए रजिस्टर कर सकते हैं खुद को। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कुछ नोट दिया हुआ है, नो अंडर प्रोसेस सर्टिफिकेट शैल बी एंटरटेन, अंडर प्रोसेस अगर कोई भी सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे एंटरटेन नहीं की जाएगी। देयर विल बी नो रजिस्ट्रेशन फी चार्जेस फ्रॉम कैंडिडेट्स। ठीक है, मोबाइल फ़ोन से आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करनी है, वो अपलोड नहीं होंगे उससे डॉक्यूमेंट्स, आपको यहाँ पे PC से करना होगा या कहीं कंप्यूटर कैफे जाके कराना होगा। ठीक है, द कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आप की वो यहाँ पे तैयार हुई हो लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से पहले पहले तभी वो एंटरटेन की जाएगी, उसके बाद एंटरटेन नहीं की जाएगी। ठीक है, उसके बाद जो भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे वो आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे। ठीक है, कैंडिडेट्स इन देयर ओन यू आर एडवाइज्ड नॉट शेयर लॉग इन पासवर्ड। ठीक है, लॉग इन पासवर्ड आप यहाँ पे शेयर नहीं करना। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बोर्ड शैल नोटिफाई प्रोविजनल UT मेरिट लिस्ट ऑफ ऑल कैंडिडेट्स। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद 7th ऑफ सेप्टेम्बर के बाद फिर प्रोविजनल UT मेरिट लिस्ट आ जाएगा, वो शैल बी यूज्ड फॉर ऑनलाइन ऑफलाइन काउंसलिंग, और फिर ऑफलाइन या ऑनलाइन काउंसलिंग होगी वो डिसाइड होगा आगे बाय द कैंडिडेट्स फिलिंग अप ऑफ प्रेफरेंस। फिर प्रेफरेंस आपको फिल करनी है कॉलेज वाइज, कोर्स वाइज, बेस्ड ऑन विच अलॉटमेंट, फिर उसके उसके बेस पर आपको अलॉटमेंट सीट मिलेगी। ठीक है, एनी कैंडिडेट हु फेल्स विद इन द क्वालिफाइंग मेरिट बट फेल्स टू रजिस्टर हिमसेल्फ, हु फॉल्स विद इन द क्वालिफाइंग मेरिट एंड फेल्स टू हिमसेल्फ अप टू द कट ऑफ डेट फिक्स्ड बाय द बोर्ड डज नॉट अपलोड द डॉक्यूमेंट शैल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर द अलॉटमेंट। ठीक है, जो कट ऑफ में आता है जिसको अच्छे पॉइंट्स आ रहे हैं और अगर उसने रजिस्टर नहीं किया फिर वो यहाँ पे उसको कोई सीट नहीं मिलेगी। ठीक है, द कंप्लीटिंग
द कॉम्पिटिंग कैंडिडेट्स इन देयर ओन इंटरेस्ट आर एडवाइज्ड टू गो थ्रू इन्फॉर्मेशन फ्रॉम का, ठीक है, जो बाकी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं इस रिलेटेड वो हम देते रहेंगे आपको। उसके लिए आपको चैनल्स को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा और टेलीग्राम ग्रुप में यहाँ पे ज्वाइन करना पड़ेगा। वहाँ पे हम सारी अपडेट्स आपको टाइमली देते रहते हैं और इसका PDF भी वही आपको मिल जाएगा, ठीक है। और अगर इस रिलेटेड और कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, हम आंसर करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। या इंस्टाग्राम पे हमें बता सकते हो, इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।